तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। साल 1994 में माइक्रोसॉफ्ट के जन्मदाता बिल गेट्स ने एक किताब खरीदी। किताब का नाम कोडेक्स, कीमत आज के हिसाब से लगभग 400 करोड़ रुपए। ऐसा क्या था इस किताब में? कुछ बातों के जवाब लिखे हुए थे, मसलन कैसे बर्ताव होता है, पुल कैसे बनना चाहिए, चांद चमकता क्यों है, समुद्री जीवों के जीवाश्म पहाड़ों में क्यों मिलते हैं। ये सब बातें विज्ञान हमें बता चुका है, लेकिन इस किताब को लिखा गया था आज से 500 साल पहले, और इसे लिखने वाला था इंसानी इतिहास का पहला जीनियस, एक आदमी जो एक बेनाम लड़की की तस्वीर बनाता है और वो दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन जाती है। इंसानी शरीर के ऐसे डिजाइन बनाता है जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता। इतना ही नहीं, वो इंजीनियर भी था। 500 साल पहले उसने उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन बना डाले थे। इस आदमी का नाम था लियोनार्डो दा विंची। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। लियोनार्डो दा विंची को सबसे महान पॉलीमैथ माना जाता है। पॉलीमैथ शब्द का हिंदी में मतलब होता है बहुविध, यानी एक विद्वान जो कई सारी कलाओं और विषयों में कुशल होता है। दा विंची जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, मूर्तिकार और विचारक भी थे। लोगों की यूनिक पहचान उनके नाम से होती है। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जवाब उनके नाम में ही है। उस दौर में नाम के साथ कस्बे का नाम जोड़ दिया जाता था, तो लियोनार्डो दा विंची यानी विंची का रहने वाला लियोनार्डो। लेकिन ये उनका पूरा नाम नहीं है, उनका पूरा नाम है लियोनार्डो दी सर पियरो दा विंची। अब इसमें दी सर पियरो क्या है? दी सर पियरो का मतलब है विंची का रहने वाला पियरो का बेटा लियोनार्डो। केंद्रीय इटली में रहने वाले लियोनार्डो के माँ बाप दोनों ने ही उनकी पैदाइश के बाद अलग अलग शादी कर ली। ज़्यादातर बचपन दादा के घर में बीता। कम उम्र में ही अपनी चित्रकारी की कला से सबका ध्यान खींचने वाले लियोनार्डो के परिवार ने पूरा जोर उनकी इसी कला को निखारने में लगा दिया। लियोनार्डो ने स्कूल पूरा नहीं किया, लेकिन जिंदगी के अनुभव खूब लिए। उन्हें मुर्दों की चीरफाड़ में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। इसी के जरिए उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी की ऐसी समझ विकसित की कि 500 साल पहले उनके बनाए इंसानी शरीर के स्केच मॉडर्न साइंस के हिसाब से एकदम सटीक हैं। दा विंची ने मानवीय शरीर की 240 आकृतियां बनाईं और इस विषय के करीब 13,000 शब्द भी लिखे। लियोनार्डो के लिखने का तरीका कुछ अलग था। एम्बुलेंस में देखा होगा आपने, अक्षर पलटे हुए लिखे होते हैं ताकि कोई अपनी गाड़ी के मिरर में पीछे आती एम्बुलेंस को देखे तो आईने में वो एम्बुलेंस सीधा पढ़ सके। लियोनार्डो भी इसी शैली में लिखा करते थे। कई लोग मानते हैं लियोनार्डो ने ऐसा इसलिए किया ताकि दूसरे उनके लिखे को समझ ही न सके, लेकिन असली वजह दूसरी थी। लियोनार्डो बाएं हाथ से लिखते थे। बाएं हाथ से सीधे लिखने में अक्सर ऐसा होता है कि स्याही से लिखा हुआ हाथ से फैल जाता है। इससे बचने के लिए लियोनार्डो ने बाएं से दाईं ओर लिखना शुरू किया। जिस दौर में लियोनार्डो जिंदा थे, इटली गृह युद्ध में घिरा था। उन्होंने इटली में अलग अलग सेनाओं और कमांडर्स के लिए काम किया और इस दौरान हथियारों से जुड़े कुछ ऐसे डिजाइन बनाए जो नायाब थे। मसलन फिल्म बाहुबली का वो सीन याद कीजिए जब बाहुबली और भल्लाल देव कालके सेना से लड़ने जाते हैं। इस युद्ध में भल्लाल देव एक खास रथ पर बैठा था जिसके अगले सिरे पर एक घूमने वाला हथियार लगा था। रथ के सामने जो भी आता गाजर मूली की तरह काट दिया जाता। लियोनार्डो ने एक ऐसे ही रथ का डिजाइन तैयार किया था जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ हथियार लगे होते थे। इस रथ पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला करना मुश्किल था। लियोनार्डो ने इसके अलावा एक टैंक का डिजाइन भी तैयार किया था। इसे आप मॉडर्न टैंक का एक प्रोटोटाइप समझ सकते हैं। इसका बाहरी कवच कछुए के खोल जैसा था। अंदर 8 आदमी बैठ सकते थे और हर तरफ तोपें लगी हुई थी जिनसे दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता था। ये डिजाइन अपने समय से काफी आगे थे। लियोनार्डो ने ऐसे कई डिजाइन तैयार किए जिनमें सबसे फेमस था उड़ने वाली मशीन का डिजाइन। उड़ान में लियोनार्डो को खास दिलचस्पी थी। इतिहासकार वसारी के अनुसार लियोनार्डो को बचपन से ही पक्षियों से खासा लगाव था। वो पक्षियों को खरीदते और उन्हें पिंजरों से आज़ाद कर देते। इन्हें पक्षियों को देखकर उन्हें ऐसी मशीन बनाने का आइडिया आया जो इंसान को उड़ने की काबिलियत दे सकती थी। शुरुआत में लियोनार्डो ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जिसमें दोनों तरफ पक्षियों की ही तरह पंख लगे हुए थे। ये पंख लकड़ी के थे और इनके बीच में एक आदमी फिट हो सकता था। इसके बाद लियोनार्डो ने एक और डिजाइन बनाया जो मॉडर्न हेलीकॉप्टर का शुरुआती रूप था। लियोनार्डो ने इसे नाम दिया दी एरियल स्क्रू। साथ ही उन्होंने एक पैराशूट भी बनाया। ये सब कुछ डिजाइन था, तकनीक की कमी के चलते तब इन्हें नहीं बनाया जा सका। लेकिन साल 2000 में एड्रियन निकोलस नाम के एक शख्स ने लियोनार्डो के डिजाइन को सिद्ध करके दिखा दिया। निकोलस ने आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी। सुरक्षा के लिए था तो बस विंची के डिजाइन से बनाया हुआ पैराशूट। माल भी सारा वैसा ही लगा था जो 1500 शताब्दी में उपलब्ध हुआ करता था। लोग हैरान रह गए जब निकोलस सही सलामत नीचे आ गया और दा विंची सही साबित हो गए। जहां तक पेंटिंग्स की बात है, जब भी विंची की बात आती है तो
सबसे पहले ख्याल आता है मोनालिसा का, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग। मोनालिसा के बारे में हम पहले तारीख के एक एपिसोड में बात कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल मोनालिसा के अलावा भी लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी में कई राजाओं और अमीर लोगों के लिए मूर्तियाँ और चित्र भी बनाए। लियोनार्डो रंग भी खुद ही बनाते थे, इसमें साइंस का खासा उपयोग होता था। वो पेंट में ऑयल का इस्तेमाल करते थे, इसके चलते जब उनकी पेंटिंग्स पर रोशनी पड़ती तो एक अलग गहराई नज़र आती। लियोनार्डो की बनाई ज़्यादातर मूर्तियाँ या तो तबाह कर दी गई या अब उनका नामो निशान नहीं है। द वर्जिन एंड द लाफिंग चाइल्ड नाम की एक मूर्ति को माना जाता है कि ये लियोनार्डो की बनाई इकलौती मूर्ति है जो अब तक बची हुई है। उनके बनाए बहुत से चित्र भी मौजूद हैं। उनकी रचनाओं में आपने विटुवियन मैन के स्केच को ज़रूर कहीं ना कहीं देखा होगा, जिससे पता चलता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कितना ध्यान रखते थे। लियोनार्डो की एक और बनाई पेंटिंग काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दूसरे चित्रकारों द्वारा सबसे ज़्यादा बार कॉपी की जाने वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर। बाइबल के अनुसार जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्य थे। सलीब पर चढ़ाए जाने से पहली रात उन्होंने अपने 12 शिष्यों के साथ डिनर किया और यहीं से भविष्यवाणी कर दी कि कल उनका एक शिष्य उन्हें धोखा देगा। इस घटना को ईसाई मत में लास्ट सपर कहा जाता है। लियोनार्डो ने इस घटना पर एक पेंटिंग बनाई, इसे इटली के शहर मिलान में एक मठ के डाइनिंग हॉल की दीवार पर बनाया गया था। यह पेंटिंग लियोनार्डो की सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक है। हालांकि इसे बनाते हुए उनसे एक गलती हो गई। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाते हुए कुछ एक्सपेरिमेंटल रंगों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बनाने के कुछ वक्त बाद ही उसका रंग उतरने लगा। कुछ वक्त में ही यह पेंटिंग इतनी खराब हो गई कि उसे छिपाने के लिए एक पर्दा टांग दिया गया। बाद में इस पेंटिंग का रेस्टोरेशन किया गया। फ्रेंच क्रांति के दौर में यह पेंटिंग एक और बार खराब हुई, जब पेंटिंग की जगह को अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। फ्रेंच क्रांति के दौर का एक और किस्सा है। हुआ कुछ यूं कि जब विरोधी खेमे के सैनिक इस पेंटिंग के पास पहुंचे, उन्होंने आपस में कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया कि कौन कितनी जोर से पेंटिंग पर पत्थर मार सकता है। कुछ सैनिक सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ गए और पेंटिंग में बने क्राइस्ट के शिष्यों की आंख नोच ली। 1800 में भारी बारिश के चलते ये पेंटिंग और खराब हुई, जब फ्रांस में शांति का दौर आया। इस पेंटिंग को एक दूसरी जगह ट्रांसफर करने की बात उठी, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स को स्थान परिवर्तन के लिए बुलाया गया, वो पेंटिंग को और डैमेज कर गए। उन्होंने फिर कोशिश की कि गोंद से उसे चिपका दें, ये तरीका भी फेल ही रहा। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बमबारी में इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। अंत में साल 1970 में फ्रेंच सरकार ने लास्ट सफर के रेस्टोरेशन की कोशिशें शुरू की। 21 साल लगे इस तस्वीर के रेस्टोरेशन में, जिसके बाद इसे पब्लिक के देखने के लिए खोल दिया गया। इसे बनाने वाले लियोनार्डो की जहां तक बात है, उन्होंने कभी शादी नहीं की। बताते हैं कि जीते जी ही वो इतने फेमस हो चुके थे कि फ्रांस का राजा ट्रॉफी की माफिक उन्हें अपने साथ लिए घूमता था। मरते हुए लियोनार्डो को मलाल रहा कि बहुत सी पेंटिंग्स वो पूरी नहीं कर पाए, जिनमें से एक मोनालिसा भी थी। लियोनार्डो की मौत 1519 में हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी नावेद ने। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।